या अल्लाह ये कौम कब सुधरेगी। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैडम आपको नजर नहीं आ रहा मैं कुंडा डाल रहा हूँ, घर में 6 दिन से लाइट नहीं आ रही, अब तो बेगम ने भी मुझे महके जाने की धमकी दे दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये काम करते हुए, तुम्हें पता है बिजली चोरी करना कितना बड़ा जुर्म है, अगर तुम पकड़े गए ना तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। अरे वाह मैडम, इतने इतने बिल देने के बाद भी बिजली 6 से 7 घंटा आती है, जो लोग हजारों का बिल भेजते हैं और बिजली भी नहीं भेजते फिर उन लोग को तो कोई जेलों में नहीं डालता। अरे जाओ जाओ मैडम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। बकवास बंद करो, आ जाते लेक्चर दे रहे। अरे अंधे हो गए हो क्या, देख के नहीं गाड़ी चला सकते? अरे मैडम ये पाकिस्तान है, यहाँ हरी और लाल दोनों बत्ती का मतलब है बस चलते जाओ। दफा हो जाओ। लगता है ये कौम ऐसे नहीं सुधरेगी, इस कौम का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं इस कौम पे मुकदमा करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मीना हिल शेख और आप देख रहे हैं हम प्लस टीवी। नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते चलें, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के खिलाफ मुकदमे के लिए बाकायदा तौर पर अदालत में दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। एडवोकेट लुबना ने पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमे के लिए अदालत में दरख्वास्त जमा करवा दी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी अवाम ये मुकदमा जीत जाएगी या फिर सब के सब जेल में चक्की पीसते हुए नजर आएंगे। इस मुकदमे के हवाले से जो भी बहस व मुबाहसा अदालत में होगा तमाम चैनल्स पर लाइव दिखाया जाएगा। फिलहाल चलते हैं अवाम के दरमियान और देखते हैं कि अवाम क्या जज्बात रखते हैं इस मुकदमे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा उरूज और आप देख रहे हैं हम प्लस टीवी। जी हाँ नाज़रीन, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते चलें कि पूरी पाकिस्तानी कौम के खिलाफ एडवोकेट लुबना ने कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी है। जी हाँ नाज़रीन, ये हमारी नौकरी का अनोखा मामला है कि अगर ये केस कोर्ट में दर्ज हो गया तो पूरी पाकिस्तानी कौम के खिलाफ बाकायदा FIR कट जाएगी और पूरी पाकिस्तानी कौम को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। चले नाज़रीन अब चलते हैं अवाम की तरफ और लेते हैं अवाम की राय इस मुकदमे के बारे में, अवाम की क्या राय है। जी ये जो मुकदमा दर्ज कर दिया गया ये बिल्कुल गलत है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, जिस तरीके से महंगाई चल रही है इधर आवाम परेशान है, बेरोजगार है, दिन पर दिन महंगाई होता जा रहा है, हम इस मुकदमे को नहीं मानते। महंगाई बहुत हो गई, आवाम बहुत परेशान है, आवाम को क्या जेल में डालना चाहिए, आवाम किससे गुजारा करेगी। देखिए यहाँ पर आवाम किस तरीके से मुश्तहिल हो चुके हैं और एडवोकेट लुबना के खिलाफ भी एहतजाज जारी है। पप्पी भाई तुम रो रहे हो, खैरियत तो है? अरे क्या बताऊं यार, ये कोरोना ने पहले क्या कम पेड़ा कर रखा हुआ था कि ये लुबना चुड़ैल भी हमारे पीछे पड़ गई। क्या कर दिया लुबना ने, रिश्ता तो नहीं टूट गया कहीं? मैं बता रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से लड़की वाले माने थे, अगर इस मरतबे में मेरा रिश्ता टूट गया ना मैं खुदकशी कर लूंगा, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अरे क्या हो गया पप्पी मियां, अरे क्या फिर इनका कोई रिश्ता विश्ता टूट गया? पता नहीं है लुबना की बातें कर रहे हैं कोई, पता नहीं क्या कर दिया लुबना मैडम ने इनके साथ ऐसा। अरे पप्पी ये तो बताओ हुआ क्या है? अरे काका क्या बताऊं, ये अखबार तो देखो तुम, अरे कोई लुबना मैडम है उसने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम पर केस कर दिया है,
अगर वो केस जीत गई ना तो यकीन करो 22 करोड़ आवाम को जेल जाना पड़ेगा। और तुम भी सुन लो, बड़ी मुश्किल से लड़की वाले माने थे, अगर इस मरतबे में मेरा रिश्ता टूट गया ना तो मैं खुदकशी कर लूंगा, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। अरे अकल के अंधो, तुम लोग छोटी छोटी बातों को लेके बैठे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ये कितना बड़ा मसला है। अगर मैडम लुबना ने केस कर दिया तो ये हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी, हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम होगा। हमें इसके लिए कुछ करना होगा, हमें कुछ तकड़ा वकील करना होगा ताकि इस केस को हम जीत सकें, और इसी में हम सब लोगों की भलाई। अरे पप्पी भाई, आपका एक दोस्त है ना वकील राणा साहब, उसके पास चलते हैं, हो सकता है वो कोई हल निकाल दे। क्या राणा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो क्या खाक हमें जेल जाने से बचाएगा? अरे पप्पी, राणा के पास जाने में हर्ज क्या है, जाके देख लेते हैं, हो सकता है वो ये केस जीत जाए और हम सब लोग जेल जाने से बच जाएं। और वैसे भी राणा साहब तो तुम्हारे बड़े अच्छे दोस्त हैं ना, ये दोस्ती कब काम आएगी? काका एक बात है, राणा है बंदा बड़ा काबिल, अगर वो इस केस में कूद गया ना तो जीत हमारी होगी इंशाल्लाह, बता रहा हूँ मैं। तो चलो फिर चलते हैं। चलो चलते आओ, आओ। ये थैले में क्या उठाए घूम रहे हो बता दो तो। अरे कुछ सामान लाया था बाजार। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज की ताज़ा खबर, पाकिस्तानी अवाम पर हो गया मुकदमा, अब कटेगा पूरी पाकिस्तानी कौम के खिलाफ पर्चा, अब हाजिरी देनी होगी पूरी अवाम को अदालत में। क्या पूरे पाकिस्तान के अवाम पे मुकदमा दर्ज हो गया? मैं क्या कह रहा भाई? अरे यार फवाद, ये पप्पी कहाँ चला गया? अच्छा खासा हमारे साथ आ रहा था, बीच में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हाँ यार काका, अब तो 2 घंटे हो गए। लो, वो आ रहे हैं। अरे पप्पी मियां, बड़ी देर कर दी तुमने आने में। अरे काका समझा करो, राणा पे भरम डालने के लिए ये तैयारी जरूरी थी। हो गई ना तैयारी, अब चलो 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 चलो, अब मजा आएगा, आ जाओ। काका काका एक प्रॉब्लम और है। अब क्या प्रॉब्लम आ गई? देखिए राणा काम तो कर लेगा, लेकिन वो अलीना के बगैर काम करेगा नहीं। अब ये अलीना बीच में कहाँ से आ गई? अरे काका अलीना जो है ना वो राणा की जूनियर वकील है, वही तो सारे केस तैयार करती है। ये बात हो रहा है कि 6 महीने से राणा ने उसे तनख्वाह नहीं दी। अबे ओ पागल, अबे जब 6 महीने से उसे तनख्वाह नहीं मिली तो वो कैसे आएगी? लेकिन आप फिक्र ना करो, मैं अलीना को फ़ोन करके उसे बुलवा लेता हूँ, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो फिर घुमाओ फोन, बुलाओ उसे। एक मिनट। मान गई? नहीं, आ जाओ। अरे चलो भाई चलो। पप्पी क्या बदतमीजी है। अरे शहजाद यार, ये देख क्या जरा, गुड्डू की शोर मचा रहा है, देख क्या जरा, देख क्या। गुड्डू भाई माफी चाहता हूँ। वो राणा साहब घर पे हैं बेटा। कौन बेटा? किसका बेटा? बेटा किसको बोला? अरे तुम्हें बोला बेटा। खबरदार, मुझे बच्चा बच्चा नहीं समझना। अरे गुड्डू नाराज मत हो, ये बताओ राणा घर पर है? हाँ पप्पी राणा साहब घर पर हैं, मगर ये क्या चीज है? वो बड़ा बदतमीज है। अरे गुड्डू ये काका है, हमारे मोहल्ले की मौजूद शख्सियत। मौजूद मौजूद लगते तो नहीं है। नहीं नहीं छोड़ो इन बातों को, काका आओ, फवाद आओ आओ, आया गुड्डू अंदर आओ। राणा साहब वो गुड्डू कह रहा है कि कोई आपसे मिलने के लिए आया है। अच्छा कौन मिलने आया? पप्पी भाई। पप्पी भाई? अरे पप्पी भाई का फिर से रिश्ता टूट गया होगा मुझे लगे। अच्छा ये बता कितने लोग आए? 3 लोग। 3 लोग? अरे लगता है कोई केस लेके आया। चल तू जा 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 जा, मैं आता हूँ गुड्डू को बोल, मैं आ रहा हूँ।
अरे लगता है कोई नया केस ले गया है बप्पे भाई। अरे लगता है दिहाड़ी लगेगी आज फिर। चलो अरे भैया चलो। अरे गुड्डू कहाँ रह गया? जरा राणा को भेज यार। याहू! अरे बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो मर जाएगा, मर जाएगा। अरे कहिए पप्पी भाई कैसे आना हुआ? अरे राणा क्या पागल हो गए यार? अरे नहीं पप्पी भाई, ये तो खुशी है आपके आने की खुशी, नए नए ग्राहक लाने की खुशी, मेरी दिहाड़ी बनाने की खुशी। अरे पप्पी भाई ये बताओ किसको अंदर करना है और किसको बाहर? और अगर आपकी शादी का कोई मसला है तो अपनी शादी के बारे में मुझे मत बताइएगा, क्योंकि आपकी शादी मैं नहीं करवा सकता। हाँ अरे राणा तो तुझे मजाक बहुत सूझता है यार। मजाक की बात नहीं है, ये बड़ा सीरियस मसला है। अरे सब लोग जेलों में बंद हो जाएंगे। देख मैं चाहता हूँ कि ये केस तू लड़े, तू ये केस लड़ेगा ना, और तू मुझे यकीन है ये केस तू जीत जाएगा। देख मेरी शादी और 22 करोड़ आवाम को जेल से बचाना, 22 करोड़ आवाम की इज्जत राणा ये तेरे हाथ में, मेरे दोस्त तेरे हाथ में। हाँ यार समझा कर बात को। अरे पप्पी भाई इसमें रोने की क्या बात है, ये तो एक ना एक दिन होना ही था ना। अरे ये आवाम तो है इस लायक, ये देखें चोरी बदारी गंदगी करना जगह जगह। अरे ये आवाम को एक ना एक दिन तो जेल में जाना ही था। मैं तो समझता हूँ कि जिसने भी ये केस किया ना बहुत अच्छा काम कर दिया भैया, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। अरे बस बस बंद करो ये फजूल बातें। जिस मुल्क ने तुम्हें काला कोट दिया, जिस मुल्क ने तुम्हें इज्जत दी, जिस मुल्क ने तुम्हें वकालत जैसे मुअज्जज़ पेशे में ला के खड़ा कर दिया, उस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को तुम जेल में डालना चाहते हो। बड़े अफसोस की बात है, शायद तुम्हें पता नहीं कि 1947 में यह मुल्क कैसे कायम हुआ। औरतों और बहनों की, माओ बहनों की इज्जतें नालाम हुई, नौजवानों को कत्ल कर दिया गया, मासूम बच्चों को उनकी माओ के सीनों से चुनोच के नेज़ों पर चढ़ा दिया गया। इस खून खराबे के बाद हमने ये मुल्क हासिल किया, और इसमें गंदे लोग ज़रूर हैं कुछ लोग, लेकिन पूरे आवाम को तो सज़ा मत दो। अगर तुमने ये केस ना लिया तो ये लोग जेल में चले जाएंगे। पप्पी मुझे लगता है ये केस नहीं लेगा, हम किसी और वकील से बात करते हैं, चलो मेरे साथ। काका मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, आपने मेरे अंदर के इंसान को जगा दिया। मगर आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये केस मैं ही लड़ूंगा और जीत हमारी होगी। मैं लुबना मैडम को कभी भी उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, पाकिस्तान की होगी और पाकिस्तानी आवाम की जीत होगी। काका आपने जो बातें की हैं, मैं भूल गया था कि मेरे पुरखों ने कितनी कुर्बानियां दी थी इसको बनाने के लिए, इस पाकिस्तान को बनाने के लिए। इंशाल्लाह ये केस मैं लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी, आप बेफिक्र होके जाएं काका, इंशाल्लाह बस दुआ कीजिएगा। अच्छा पप्पी भाई ये बताएं कि केस की तारीख कब है? परसों। क्या? अरे पप्पी भाई इतना बड़ा केस और आप सिर्फ 2 दिन पहले मुझे आके बता रहे हैं। अरे आपको पता है ना मेरी जूनियर वकील भी नहीं आ रही पिछले 6 महीने से, और ये इतने बड़े केस की तैयारी मैं 2 दिन में अकेला कैसे करूंगा? राणा मुझे पता है, अरे पता है मुझे, तूने कभी भी ना केस की तैयारी अकेले नहीं की, इसीलिए मैंने ना अलीना को पहले ही फोन लगा दिया था। अरे अरे गुड्डू भाई, ये पप्पी भाई, अरे जरा अलीना को बुलाना। बहुत बेहतर, आजो आजो, अरे आजो, आ गई आ गई। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है अलीना मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अरे वाह अलीना मैडम आ गई आप। अरे वाह पप्पी भाई आपने तो कमाल कर दिया, अब आप देखना हम लुबना मैडम को कोर्ट में कैसे सबक सिखाते हैं। इंशाल्लाह अब ये केस हम ही जीतेंगे, बेफिक्र हो जाएं। अलीना केस की तैयारी करो, हमने हर सूरत में ये केस जीतना है, क्योंकि ये तुम्हारी और मेरी इज्जत का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। राणा तुमने मेरी दोस्ती की बिलाज रखनी है, बस ये समझ लो कि ये हमारी इज्जत का मसला नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान की आवाम की इज्जत का मसला है। पप्पी भाई आप बेफिक्र होके जाएं, जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस पाक वतन का कुछ नहीं बिगाड़ सकी,
तो ये लुबना फिर किस खेत की मूली है? आप बेफिक्र होकर चाहें, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। चलो 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 चलो, इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। साया खुदाए जुलजादार, तर्जुमाने माजी शाने हार। साया खुदाए जुलजादार, तर्जुमाने माजी शाने हार। महबरे तरक्कियों का माल, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। जी पूछें सर, आपने पिछले 6 महीने से आपने मुझे सैलरी नहीं दी थी, पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी आपने मतलब कैसे उठा ली? देखो अलीना, रही बात तुम्हारी सैलरी की, तो अगर मैं चाहूं जैसे दूसरे वकील काम करते हैं, कत्ल के जो मुजरमान हैं उनको छुड़ा लूं, अगर मैं चाहूं जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनके साथ मिल जाऊं, अगर मैं चाहूं तो एक दिन के अंदर 6 महीने क्या 6 साल की सैलरी मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। लेकिन देखो अलीना, मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, कुछ काम होते हैं जो हमारे लिए करना बहुत नागुजीर होता है, बहुत ज़रूरी होता है। हर काम पैसों के लिए नहीं किया जाता। ये पाक वतन इंशाल्लाह कायम और दायम रहेगा, और सिर्फ हमारे पाकिस्तान की आवाम की इज्जत को बचाने के लिए, हमारे अवाम के हकूक की आवाज को बुलंद करने के लिए मैंने ये केस लिया है, और आप मेरे साथ इस केस का हिस्सा हो। यकीनन जब हम ये केस जीत जाएंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी खुशी देखिएगा कैसी होगी, क्योंकि वतन अजीज के लिए जब इंसान दिलो जान से कोई काम करता है तो अल्लाह की रहमत भी उस पर नाजिल होती है, और पाकिस्तान की इज्जत पर जब भी बात आएगी तो इंशाल्लाह राणा सबसे आगे खड़ा होगा। चलो, मैं ये केस क्यों फाइट कर रहा हूँ ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अलीना मैडम ये बताएं कि आपको इस केस में क्या दिलचस्पी थी? सर, आपकी यही वतन से मोहब्बत देखी तो बार बार मैं आपके पास आ जाती हूँ। सर, वतन से मोहब्बत सिर्फ आपको ही है क्या? अब मुझे भी वतन से प्यार है, जब ही तो मैं इस केस का हिस्सा बनी। सर इंशाल्लाह ये केस हम ही जीतेंगे। वेल डन, वेरी गुड। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। जी तो मिस लुबना, आपने जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर मुकदमा दर्ज करने की जो दरख्वास्त दी है, क्या आपके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसकी रोशनी में मुकदमा दर्ज किया जाए? जी हाँ जज साहब। सबूत पेश किए जाएं। मैं तमाम सबूतों के साथ ही अदालत में हाजिर हुई हूँ जज साहब, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जो सबूत मैं अदालत में पेश करूंगी और उन सबूतों की रोशनी में इस अवाम पर ना सिर्फ मुकदमा होगा बल्कि ये सारी अवाम चक्की पीसेगी जेल में। ऑब्जेक्शन मिलोर्ड, मेरी काबिल वकील अपनी झूठी और बेबुनियाद बातों से
या तो मीडिया की झूठी तवज्जो हासिल करना चाहती हैं या फिर इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। मिलोर्ड, ये मोहतरमा ऐसी अवाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहती हैं जिस अवाम को आज़ादी के वक्त से लेकर आज तक कोई बुनियादी हकूक ही नहीं मिले, ना बिजली, ना पानी, ना गैस, ना तालीम की कोई सहूलियात, फिर भी जिंदा दिल कौम ने वतन अजीज की शान में कभी कोई आंच नहीं आने दी। मिलोर्ड, जज साहब, पूरी पाकिस्तानी कौम कानून की धज्जियां उड़ाती नजर आती है। पाकिस्तानी अवाम का हर शख्स बिजली चोरी करता नजर आता है, सिग्नल तोड़ता नजर आता है, लोग जगह जगह गंदगी फैलाते हैं, जहां जिसका दिल चाहता है कचरा फेंक देता है। हर दूसरा शख्स रिश्वत लेने और देने में मसरूफ रहता है। चोरी, डकैती, औरत को छेड़ना, जाली चेक देना, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, इन लोगों का बेहतरीन मशगला है। जज साहब, हमारी हुकूमत ने कहा है कि SOPs का ख्याल रखा जाए ताकि कोरोना जैसी मोहलिक बीमारी से बचा जा सके, मगर जज साहब, इस अवाम की लापरवाही की वजह से न जाने कितने लोग इस कोरोना जैसी बीमारी से अपनी जान से हाथ धो बैठे। इन तमाम वजूहात की बिना पर इस कौम पर मुकदमा बनता है। ऑर्डर, ऑर्डर। मेरी अदालत से दरख्वास्त है जज साहब कि ऐसी अवाम को जो अपने मुल्क को बर्बाद करने में लगी है उन्हें जेल में भेज देना चाहिए। जज साहब, हमारे मुल्क के हुक्मरान हकूमत में आने से पहले जब अवाम के पास वोट मांगने आते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं और इख्तदार में आते ही बिल्कुल गायब हो जाते हैं। मिलोर्ड, जो ताकत और हिम्मत अवाम से ये वोट के जरिए लेते हैं, इख्तदार में आने के बाद उसी ताकत को ये कौम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, अवाम को उसी ताकत के जरिए डराते हैं, अवाम के साथ खेलते हैं। मिलोर्ड, दुश्मन मुल्कों ने आपस में मिलकर पाकिस्तानी अवाम को फिरकों में तकसीम करके आपस में लड़ाने की बहुत नाकाम कोशिश की, लेकिन दुश्मन भी हैरान है कि तमाम तर साजिशों के बावजूद जब भी पाकिस्तानी कौम के ऊपर कोई मुश्किल घड़ी आई तो पूरी कौम एक हो गई, अपनी जबान पे एक ही नारा लगाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये लुबना मैडम ऐसी गयूर और मुहिब्बे वतन अवाम को जेल भेजना चाहती हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। दुश्मनों ने अरबों रुपए खर्च कर दिए कि किसी तरह पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मिलोर्ड, ये जिंदा दिल पाकिस्तानी कौम हमेशा दुश्मन के सामने एक सीसा पलाई दीवार की तरह डटी रही। लेकिन मिलोर्ड, बहुत अफसोस की बात है कि ये अवाम आज भी इंसाफ के मुंतजर हैं और अपने बुनियादी हकूक की भी मुंतजर है। तो मिलोर्ड, इन लुबना मैडम ने तो हद ही कर दी कि जो कौम आजादी के वक्त से लेके आज तक हाथ में खाली कटोरा लेके घूम रही है उसके ऊपर एक और जुल्म का पहाड़ कि इस कौम को जेलों में डाला जाएगा। मिलोर्ड, अवाम को पानी, बिजली, तालीम, ये तमाम तर सहूलियात और अवाम की जानो माल की हिफाजत इन लोगों की बनती है जिनको अवाम ने वोट देकर ऐवानों में बिठाया, जो बरसरे इक्तदार हैं। जज साहब, ये वकील साहब अपनी उल्टी सीधी बातों से अदालत को गुमराह करना चाहते हैं ताकि इस कानून तोड़ने वाली अवाम को जेल जाने से बचाया जा सके। मिस रुबना, किसे जेल भेजना है, किसे जेल नहीं भेजना, इसका फैसला अदालत करेगी। इन्हें अपने दलाइल मुकम्मल करने दिए जाएं। मिलोर्ड, मेरी अदालत आलिया से दरख्वास्त है कि इस अवाम के ऊपर जो झूठे मुकदमे की झूठी दरख्वास्त दायर की गई है उसको फौरन खारिज कर दिया जाए और हकूमती इदारों को अवाम के बुनियादी हक देने का पाबंद किया जाए और अवाम की जान व माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम सबूतों को देखने, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि
यकीनन पाकिस्तान के अवाम बेकसूर और मजलूम हैं। पाकिस्तान के अवाम इंतहाई मुहिब वतन अवाम हैं। कई सालों से इस अवाम के साथ धोखाधड़ी का खेल खेला जा रहा है, लिहाजा अदालत इस मुकदमे की दरख्वास्त खारिज करती है। और हुकूमत वक्त को हुक्म जारी करती है कि अवाम के बुनियादी हुकूक अवाम को दिए जाएं, अवाम के जानो माल और तहफ़ को यकीनी बनाया जाए। और हाँ मिस रुबना, आप किसी अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाएं ताकि आइंदा अदालत का वक्त ज़ाया ना कर सके। अदालत बर्खास्त की जाती है।